गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 45, दैट इज़ द ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम, मीन्स की सौर मंडल का गहना। नाउ लेट स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। सैटर्न इज़ आल्सो नोन एज द ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम। देखो जो सैटर्न है, शनि ग्रह होता है सैटर्न का मीनिंग, इसको जो है सोलर सिस्टम का ज्वेल मींस की गहना माना जाता है। इट इज़ अ फैसिनेटिंग प्लैनेट। ये जो प्लैनेट है, ग्रह है, ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। एंड नथिंग लाइक आवर ओन अर्थ, और इसमें हमारी पृथ्वी की तरह कुछ भी नहीं है। इट इज़ कंसीडर्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑल्सो। इसको भी बहुत ही सुंदर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, मींस कि ये जो सैटर्न है इसको भी एक ब्यूटीफुल प्लैनेट जो है वो माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट वन देखो क्या बता रखा है। सैटर्न इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। देखो सैटर्न का जो नेम है, रोमन कृषि के भगवान के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इज है ना, तो है आएगा। सैटर्न इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल्स विच आर लाइटर देन वाटर। If placed in water, Saturn would float just like an ice cube. देखो जो ये Saturn है, means कि ये जो शनि ग्रह है, ये उन material से बना है जो जिसका weight जो है water से भी बहुत ही ज़्यादा light है. Okay, next. If placed in water, Saturn would float just like an ice cube. देखो अगर हम इसे पानी में रख देते हैं तो ये एक बर्फ़ के टुकड़े की तरह तैरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सैटर्न इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इज़ 75 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ। देखो जो सैटर्न है वो सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है। इट इज़ 75 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ। ये जो है पृथ्वी से 75 गुना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, इट इज़ 10 टाइम्स फार्दर फ्रॉम द सन देन आवर अर्थ। ये हमारी पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 10 गुना क्या है, दूर है। ओके, नेक्स्ट वन इज, वन सैटर्न ईयर इज इक्वल टू 30 ईयर्स ऑफ अर्थ। वन ईयर इज द टाइम टेकन टू ऑर्बिट द सन बाय एनी प्लैनेट। इसका मतलब क्या है, एक शनि वर्ष मीन्स की वन सैटर्न ईयर जो है वो पृथ्वी की 30 ईयर्स के इक्वल है। ठीक है, और वन ईयर इज द टाइम टेकन टू ऑर्बिट द सन बाय द प्लैनेट। एक वर्ष किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लिया गया समय होता है, और जो वन सैटर्न ईयर है वो हमारी अर्थ के 30 ईयर्स के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, सैटर्न्स ईस्ट विंड्स ब्लो एट सम 400 मील्स पर आवर, मेकिंग इट द वाइंडेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। देखो शनि की, मतलब जो शनि की और ईस्ट से हवाएं आती है वो लगभग 400 मील्स पर आर होती है, जिससे यह हमारे सौर मंडल को सबसे तेज ग्रह बनाती है। मीन्स कि तभी जो है हमारा जो सोलर सिस्टम में ये प्लैनेट है उसको सबसे वाइंडेस्ट प्लैनेट के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, सैटर्न हैज़ अ टोटल ऑफ 82 आइडेंटिफाइड मून्स विच इज़ द हाइएस्ट ऑफ एनी प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। देखो जो है सैटर्न के पास 82 मून्स है, विच इज़ द हाइएस्ट ऑफ एनी प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, जो कि सोलर सिस्टम में सबसे क्या है, अधिक है, ज़्यादा है सबसे। मीन्स की यू हैव प्रोबेबली सीन सैटर्न इन द स्काई बट नेवर रियलाइज्ड इट एज इट इज़ द वन ऑफ द फ्यू प्लैनेट्स विजिबल विद द नेक्ड आइज। मीन्स की आपने भी शायद ना सैटर्न को स्काई में देखा होगा, मगर आपने ये रियलाइज नहीं किया होगा कि ये जो है शनि ग्रह है। ठीक है, इट इज़ अ वन ऑफ द फ्यू प्लैनेट्स विजिबल विद द नेक्ड आई, क्योंकि यह एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हम अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हेन गैलीलियो डिस्कवर्ड सैटर्न इन 1610 ही हैड लेस एडवांस इक्विपमेंट्स देन वी हैव नाउ। देखो गैलीलियो ने इसको 1610 में खोजा था, जो उस टाइम था उसके टाइम में, जो आज के टाइम में हमारे इक्विपमेंट्स है वो थे ही नहीं, तभी भी गैलीलियो ने उनको उस ग्रह को 1610 में ढूंढ लिया, डिस्कवर किया इसका। ही नोटिस्ड सैटर्न डिसअपियरिंग रिंग्स
एंड थॉट ही वॉज लूजिंग हिज माइंड. उन्होंने सैटर्न की डिसअपियरिंग रिंग्स मीन्स कि गायब होने वाले रिंग्स को भी नोटिस किया और फिर वो सोचने लगे कि ये मेरे माइंड के साथ हो क्या रहा था. ठीक है ट्रिविया. ऑन 8 अक्टूबर 2019 20 न्यू मून्स ऑफ सैटर्न वर डिस्कवर्ड. देखो सैटर्न के 20 न्यू मून्स भी खोजे गए थे. कब खोजे गए थे? 8 अक्टूबर 2019 में. विद दिस इसके साथ ही सैटर्न हैज अ टोटल ऑफ 82 मून्स. देखो सैटर्न के पास फिर कितने मून्स हो गए? टोटल 82, विच इज़ द हाईएस्ट ऑफ एनी प्लैनेट इन सोलर सिस्टम. जो कि सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्या है? हाईएस्ट है. ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे.